अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल शो में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर कुदुस। इस वक्त टाइगर हॉल श्रीनगर के अंदर मौजूद हूं, जहां पे आज नेशनल यूथ पार्टी ने एक बार फिर सेंट्रल कश्मीर का जो है एक कन्वेंशन मनक़द किया, जहां पे 100 की तादाद में जो है लोगों ने शिरकत की। इस वक्त हमारे साथ नेशनल यूथ पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी एडवोकेट काजी अयाज़ मौजूद हैं, जो इस पर मज़ीद हमारे साथ जो है बातचीत करेंगे। काजी अयाज़ साहब, आपका खैर मकदम है, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह पिछले 4-5 दिन से नेशनल यूथ पार्टी में जो है लोगों की शमूलियत हो रही है, यहाँ के BDC चेयरमैन की शमूलियत हो रही है, आने वाले वक्त के अंदर क्या कुछ लग रहा है? देखिए, ये बड़ा खुशी का मुकाम है कि बड़े छोटे और थोड़े से अरसे में हमारे साथ इतनी तादाद में लोग जुड़े हैं, और तादाद उन लोगों की है जो बाकी पार्टीज़ में बड़े बड़े अच्छे उहदों पे फाइज थे, और वो वहाँ से उन उहदों को छोड़ के उन्होंने हमारी पार्टी का दामन पकड़ा है। तो उससे लगता है कि लोग जो पुरानी जो सियासत है, धोखे की सियासत है, उससे तंग आ चुके हैं, और लोग जो हैं वो एक नए और शफाफ और बेहतर निज़ाम के मुतलाशी हैं। तो जो वलवला लोगों ने दिखाया है हमारी पार्टी ज्वाइन करके, इससे यही हमें लगता है कि जो नौजवान नस्ल है, जो यहाँ के लोग हैं, वो एक साफ शफाफ और बेहतर निज़ाम चाहते हैं, आला मायार की ज़िंदगी चाहते हैं, अपनी इक़्तिसादी हालत बेहतर करना चाहते हैं। तो हमने यही देखा कि लोगों के वलवले ने हमारी पार्टी को और मज़बूत किया है। हमने लगातार लोगों के बीच में जाके अपनी पार्टी की के मंशूर को रखा है उनके सामने, और आज की डेट में हमने बाकायदा तौर पे लोगों के सामने अपना यहाँ पे मंशूर जो था वो पब्लिश किया है। आने वाले दिनों में हम लोगों में जाके हम अपना जो एजेंडा है हमारा 20 नुकाती या 22 नुकाती जो एजेंडा है वो लोगों के सामने रखेंगे, और हमें उम्मीद है कि लोग इसको देखेंगे, इससे मुतासर होंगे, और इन्हीं एजेंडों पर हम आने वाले वक्त में इंशाल्लाह काम करेंगे, और पार्टी इन्हीं एजेंडों पर अपना इलेक्शन कंटेस्ट करेगी। लास्ट फिर ये बताइए, जो है घर घर जाकर कंप्लेन करेंगे नेशनल यूथ पार्टी की, तो किस तरह से जो है आप शुरुआत करने जा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि अभी हमारे जो जनरल सेक्रेटरी साहब हैं नेशनल लेवल के, उन्होंने एक हमारा डाटा दे दिया इसमें ईयरली बजट का। ईयरली बजट जो हमारा J&K का है वो कहीं बाकी की रियासतों से डबल है। अब अफसोस की बात यह है कि वो डबल होने के बावजूद हमारी बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है यहाँ पर लोगों के बीच में। तो वो बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं या जो हमारा एजेंडा है जिस पे हमने काम किया है या जो काम करने हम जा रहे हैं, हम इसी पे लोगों को कन्विंस करेंगे कि देखिए, इतना बड़ा बजट होने के बावजूद जिसमें अभी मुझे लगता है आज की डेट में इवन बढ़ोतरी की भी ज़रूरत नहीं है, अगर हम 2% में इसमें बढ़ोतरी करते हैं अपने बजट में, मुझे लगता है हमारी जितनी भी मुश्किल हैं यहाँ पर स्टेट में, बेरोज़गारी का मसला हो, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला हो, हमारी सड़कों का मसला हो, जो भी मसला हो वो हमारा मसला दूर हो सकता है। अभी हमारे नेशनल प्रेसिडेंट साहब ने, सेक्रेटरी साहब ने ये कहा कि भाई, इतना बजट होने के बावजूद हमें छोटी सी टनल बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का रुख करना पड़ता है। ये बड़ी अफसोस की बात है कि जो काम यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है उसके लिए हमें सेंट्रल गवर्नमेंट का रुख करना पड़ता है। उसकी मेन वजह यही है कि जो हमारी पॉलिसीज़ हैं वो गलत हैं, हमारी पॉलिसीज़ का मिसमैनेजमेंट है, हमारे बजट का मिसमैनेजमेंट है। इतना बड़ा बजट होने के बावजूद जो कि बाकी की रास्तों से कहीं दुगना बजट है हमारा, तो इतना बड़ा बजट होने के बावजूद हमारी बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसमें हमारी लोगों को जो बेहतर सहूलियात मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही हैं। तो हम आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ऐसा करेंगे कि ये जो बजट है हमारा, इस पर फोकस करेंगे, इसमें अच्छी पॉलिसी बनाएंगे, इकोनॉमिस्ट को कंसल्ट करेंगे, और इंशाल्लाह इस पर काम करके हम रियासत को आगे ले जाएंगे।